यहाँ रामलीला से पहले निकलती है भगवान राम के दूत कर्ण घोड़े की शोभा यात्रा। कर्ण घोड़े के जुलूस के साथ शुरू होती है रामलीला। कहीं होती है आरती तो कहीं होता है स्वागत। संगम के शहर इलाहाबाद में रामलीला की शुरुआत कर्ण घोड़े की भव्य और आकर्षक शोभा यात्रा के साथ होती है। दर्जनों बैंड पार्टियां, भांगड़ा करते कलाकार और दिल को लुभा लेने वाली रोड लाइट्स और आकर्षक झांकियों के बीच शहर की सड़कों पर निकलने वाला कर्ण घोड़े का जुलूस रामलीलाओं के शुरू होने की सूचना देते हुए लोगों को इसमें शामिल होने का न्योता देता है। आमतौर पर रामलीलाओं की शुरुआत भगवान राम के जन्म के प्रसंग की लीला के मंचन के साथ होती है, लेकिन संगम के शहर इलाहाबाद में लीलाओं के मंचन से पहले उस कर्ण घोड़े की भव्य व आकर्षक शोभा यात्रा निकाले जाने की परंपरा है, जिसे भगवान राम का दूत कहा जाता है। रामलीला की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले कर्ण घोड़े की यह शोभा यात्रा, जब भव्यता की चादर लपेटे हुए पूरी शान और शौकत के साथ निकलती है, तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। रास्ते भर कर्ण घोड़े का फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, जगह जगह उसकी आरती की जाती है। कर्ण घोड़े के दर्शन के लिए इलाहाबाद की सड़कों पर इतनी भीड़ उमड़ती है कि रात के वक्त भी कहीं तिल रखने की जगह नहीं बचती। इलाहाबाद में कर्ण घोड़े की शोभा यात्रा निकाले जाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। कर्ण घोड़े की शोभा यात्रा इलाहाबाद में यूँ तो तमाम रामलीला कमेटियों द्वारा निकाली जाती है, लेकिन श्री पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी की शोभा यात्रा सबसे भव्य व आकर्षक होती है। पत्थरचट्टी की रामलीला डबल स्टोरी के पौने 200 फीट चौड़े मंच पर होती है। लाइट एंड साउंड के जरिए बेहद हाईटेक तरीके से होने वाली यह एक रामलीला को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। कर्ण घोड़े की शोभा यात्रा के अगले दिन से शुरू होने वाली यहाँ की रामलीला 10 दिन तक चलती है, जिसमें 125 से ज़्यादा कलाकार और 100 के करीब टेक्नीशियन और दूसरे लोग शामिल होते हैं। इस कथा को जब सुना रहे थे तो उस समय समीप में ही एक घोड़ा खड़ा हुआ था, फिर जो कि पूरी राम कथा को सुन रहा था, और राम कथा को सुनने के बाद उसने घूम घूम कर धरती के चारों तरफ भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया था। यही कारण है कि कर्ण घोड़ा सर्वप्रिय हुआ और कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा से ही भगवान श्री रामचंद्र जी के 10 दिनों के कार्यक्रम का शुभारंभ रामलीला कमेटी के द्वारा किया जाता है। पतंजलाल आजाद संयोजक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा, उपाध्यक्ष श्री पतंजलि रामलीला कमेटी।